जो इससे लास्ट भर्ती हुई थी 2016 में, वो भी मैंने उसका भी इंटरव्यू दिया था। उसमें मेरे रिटर्न में 121 मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम रहने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। ज्योग्राफी की मैंने जैसे कि कुल मिला के करीब 20-22 बुक्स पढ़ी होगी, मतलब बहुत बार असफलताएं मिली, लेकिन कभी मन में ये नहीं आया कि हम इसको छोड़ दें। करने करने का मन में हमेशा से था कि कुछ करना जरूर है, कुछ सफलता जरूर हासिल करेंगे जीवन में। ये पहले से जीवन में एक विश्वास था, नहीं ये लोग ऐसा कभी मन को, मेरे पास जो मेरे मित्र थे जैसे मनोज है, पंकज है, जस्सी है, विकास है, संजय है, राहुल है, भीम है, बजरंग है, तो ये बहुत अच्छा ग्रुप था। तो कभी इन दोस्तों ने कभी ऐसे मैं क्या कहते हैं कि खुद पीछे हटने का या अपने मन में निराशा का ऐसा भाव रिजल्ट आने एकदम तो जरूर होता था कि निराश हो जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने समय बाद में कहते नहीं दलवीर तो कर सकता है, तेरे में योग्यता है, गोल्ड मेडल है, ये का वैसे थोड़ी है, तेरे में कुछ तो योग्यता है, तो जरूर आप सफलता हासिल करेगा, लगा रहे। और जब रिजल्ट देखा तो क्या है कि जो रोल नंबर थे उन काफ़ी नीचे थे लिस्ट में, तो पहले जो ऊपर की दो लाइनों में रोल नंबर नहीं दिखा तो थोड़ा घबराहट सी होने लगी अचानक। फिर जब नीचे देखा थोड़ा आके, तो उसमें जब अपना रोल नंबर के सामने जब एक नंबर देखा लिखा हुआ रैंक, तो उस वक्त के लिए मैं इतना ही बोला सबको कि एक नंबर। जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी उससे हमेशा हमें मुक्त रखा गया, उन्होंने हमेशा कहा कि आप पढ़ाई करो, तो हमारा सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशनल सोर्स था वो मेरा परिवार था। हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पे जा रहे हो तो आपको एक छात्रों को जाके पढ़ाना है, तो अगर आप तो अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो उन्हें ऐसे लगता है कि इन्होंने अपनी कॉलेज टाइम के अंदर खुद अच्छे से उन पुस्तकों को पढ़ा है जिन बच्चों को जो पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम के एक साथ प्रिपरेशन करते हैं, अगर RS की वैकेंसी आएगी तो उस तरफ हो गए, SI की आएगी तो उस तरफ हो गए, फर्स्ट ग्रेड आएगी तो उस तरफ हो गए। सर मुझे एक लाइन याद आ रही है कि तू कयामत तक धरने पे बैठे किस्मत, मैं कोशिशों से इस्तीफा नहीं दूंगा।